हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल ट्यूटर बॉक्स। और आज की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। इन दिस क्लास वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट डिफरेंस बिटवीन वेरियस मस्कुलर टिश्यू। एज वी नो दे आर थ्री टाइप ऑफ मस्कुलर टिश्यू: स्केलेटल मसल टिश्यू, कार्डियक मसल टिश्यू एंड स्मूथ मसल टिश्यू। सो मेनी टाइम एग्जामिनर आस MCQ इन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन अबाउट देयर डिफरेंसेस। ओके, सो इन दिस क्लास वी आर समराइजिंग द डिफरेंसेस ऑफ दीज ऑल मस्कुलर टिश्यू। ओके, सो आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगा कि हमारे हर लेक्चर के एंड में 5 MCQ होते हैं। सो गिव द आंसर ऑफ ऑल ऑफ दीज 5 MCQ ओके इन कमेंट बॉक्स। क्लियर एवरीवन? सो नाउ डिस्कसिंग द डिफरेंसेस बिटवीन स्केलेटल मसल टिश्यू, कार्डियक मसल टिश्यू एंड स्मूथ मसल टिश्यू, एंड दे आर वेरियस पॉइंट। ऑन दोज पॉइंट वी आर डिस्कसिंग द डिफरेंसेस। ओके, सो द फर्स्ट पॉइंट इज वॉट? माइक्रोस्कोपिक फीचर। माइक्रोस्कोपिक फीचर को देखें तो स्केलेटल मसल टिश्यू कैसा दिखता है। ओके, सो स्केलेटल मसल टिश्यू इज लॉन्ग सिलेंड्रिकल फाइबर। यहाँ पर लॉन्ग सिलेंड्रिकल फाइबर हमें दिखेगा, प्लस मैनी पेरिफेरल टिश्यू। यहाँ पर बहुत सारे पेरिफेरल टिश्यू दिखेंगे, सेंट्रल लोकेटेड नहीं होंगे बट पेरिफेरली बहुत सारे न्यूक्लियस मिलेंगे। देन अनब्रांच होता है, इसकी ब्रांचिंग नहीं होती। ओके, एंड इट इज स्ट्रिएटेड। इट इज व्हाट? स्ट्रिएटेड। ओके, देन इफ यू आर लुकिंग अबाउट द कार्डियक मसल टिश्यू, कार्डियक मसल टिश्यू ब्रांच होता है। यहाँ अनब्रांच था, यहाँ पर ब्रांच्ड है। ओके, एंड सिलेंड्रिकल फाइबर्स मिलता है, सेंट्रली लोकेटेड वन न्यूक्लियाई मिल रहा है। यहाँ पर पेरिफेरल था और बहुत सारे न्यूक्लियाई थे, यहाँ पर एक ही न्यूक्लियाई है एंड इट इज सेंट्रली लोकेटेड। देन स्ट्रिएटेड, यहाँ भी स्ट्रिएटेड, यहाँ भी स्ट्रिएटेड, बट इंटरकेलेटेड डिस्क हमें मिलेंगी ब्रांच्ड सिलेंड्रिकल फाइबर्स में। ओके, देन इफ यू आर डिस्कसिंग अबाउट द स्मूथ मसल टिश्यू, देन फाइबर थिकर इन मिडिल एरिया एंड टेपर्ड इन द टर्मिनल एरिया। ओके, सो एज वेल एज वन न्यूक्लिया, यहाँ वन न्यूक्लिया ही मिलेगा हमें एंड इट इज नॉन स्ट्रिएटेड। ओके, तो स्मूथ मसल फाइबर, देखिए नाम से ही पता पड़ा इसकी स्ट्रक्चर कैसे स्मूथ है, तो इसमें स्ट्रिएशन नहीं मिलेगा। ओके, नाउ लुकिंग ऑन द सेकेंड पॉइंट, दैट इज व्हाट? लोकेशन। ओके, तो कहाँ हमें मिलता है ये लोकेशन वाइज? ओके, तो यहाँ पर देखिए, वी आर फाउंडिंग स्केलेटल मसल फाइबर मोस्टली एट द टेंडन्स, टेंडन्स टू बोन का जो जॉइंट्स है वहाँ पर हमें इसको मिल जाएगा। बोन जॉइंट्स जो है, टेंडन से बोन का जो जॉइंट रहेगा वहाँ पर आपको क्या मिलेंगे? स्केलेटल मसल फाइबर्स मिल जाएंगे। ओके, वेयर वी फाउंड कार्डियक मसल फाइबर? इट्स वेरी इजी, कहाँ मिलेगा कार्डियक मसल फाइबर? नाम से ही पता पड़ रहा है, कार्डियक मतलब वी फाउंड इट इन टू हार्ट। ओके, एंड वेयर वी फाउंड स्मूथ मसल फाइबर? वी फाउंड इट ब्रोकाइस, ओके, एज वेल एज एयर वे एंड होलो ऑर्गन्स। ओके, जितने भी होलो ऑर्गन्स हो गए हमारे पास में, होलो एरिया जो है वहाँ मिल जाएगा, GIT ट्रैक्ट में मिल जाएगा। ओके, एज वेल एज आयरिस, आयरिस मसल्स जो है, आई की जो मसल है, आई आयरिस जो है वहाँ पर ये मिल जाएगा। एज वेल एज ये और कहाँ मिल जाएगा? वॉल्स ऑफ होलो विसरल्स, विसरल ऑर्गन्स जो हैं वहाँ पर उनकी वॉल्स में मिल जाएगा। ओके, सो वी कैन राइट, सो इट इज फाउंड इन वॉल ऑफ होलो विसरा। ओके, नाउ डिस्कसिंग द डायामीटर, फाइबर डायामीटर। ओके, सो फाइबर डायामीटर, इट्स डायामीटर इज वेरी लार्ज। ओके, इट इज वेरी लार्ज। सो हाउ मच इट इज? सो इट इज फ्रॉम 10 to 100 माइक्रोमीटर रेंज। देन इट इज, वी कैन से लार्ज, इट इज वी कैन से लार्ज, बट हाउ मच इट इज लार्ज? सो इट इज वी फाउंड अबाउट 10 to 20 माइक्रोमीटर रेंज। ओके, एंड स्मूथ मसल फाइबर डायामीटर इज स्मॉलर। ओके, इट इज स्मॉलेस्ट अमंग दैम। ओके, एंड हाउ मच इट इज? 3 to 8 माइक्रोमीटर, 3 to 8 माइक्रोमीटर। ओके, एंड इफ यू आर लुकिंग अबाउट द फाइबर लेंथ, इफ यू आर लुकिंग अबाउट द फाइबर लेंथ, ओके, तो फाइबर लेंथ देखिए कितनी होती है, इट इज अगेन वेरी लार्ज, इट इज अगेन वेरी लार्ज। ओके, बट हाउ मच इट इज? सो इट इज 100 माइक्रोमीटर टू 30 सेंटीमीटर। ओके, इट इज 100 माइक्रोमीटर टू 30 सेंटीमीटर। देन इफ यू आर लुकिंग अबाउट द कार्डियक मसल फाइबर, हाउ मच इट इज द लेंथ? सो इट इज अगेन लार्ज, इट इज अगेन वी कैन से लार्ज, बट हाउ मच इट इज? सो इट इज 50 to 100 माइक्रोमीटर रेंज, 50 to 100
माइक्रोमीटर रेंज. ओके एंड स्मूथ मसल, अबाउट स्मूथ मसल, सो इट इज इन इंटरमीडिएट. ओके इट इज इंटरमीडिएट, बट हाउ मच इट इज, सो इट इज 30 to 200 माइक्रोमीटर रेंज. ओके 30 to 200 माइक्रोमीटर रेंज. ओके एवरीवन, नाउ इफ यू आर लुकिंग अबाउट द कनेक्टिव टिश्यू कंपोनेंट, इफ यू आर लुकिंग अबाउट द कनेक्टिव टिश्यू कंपोनेंट, सो what kind of connective tissue components we found in skeletal muscle. So connective tissue component kya hai, epimysium, endomysium and perimysium. Okay, so in cardiac muscle tissue we only found endomysium and perimysium, and in smooth muscle fiber we only found endomysium. Okay, we only found what, endomysium. Okay, to isko aap dhyan rakhiye ki kya kya differences hame mil rahe hain. Then if you are looking about the nervous control, कौन से nervous system का कैसा control रहता है यहाँ पर, how nervous system is controlling them. So here skeletal muscle fiber के हम जैसा चाहें वैसा movement कर सकते हैं, means it is a voluntary movement. So voluntary movement by somatic nervous system, somatic nervous system. Okay, but in cardiac muscle tissue we cannot move according to our wish. That's why it is involuntary. It is what? Involuntary. Okay. So it is controlled by ANS. Again, for smooth muscle as well, it is similar. Means it is involuntary and controlled by ANS. Okay. So now we are looking about the sarcoplasmic reticulum. How much sarcoplasmic reticulum we found in skeletal muscle tissue? So we found so many of sarcoplasmic reticulum. So abundant. Okay. So many we can say. Clear. And in cardiac muscle tissue, we found some amount of sarcoplasmic reticulum, some aisa. And in smooth muscle, we found very little. Okay. We found what? Very little amount of sarcoplasmic reticulum. Okay, everyone. Now, if you are looking about the transverse tubules, if you are looking on the transverse tubules, then we found transverse tubules in skeletal muscle. So, yes, we found. बट यहां पर कैसे मिलेगी, इट इज फाउंड इन लाइन विद ओके इन अलाइन, इट्स अलाइनमेंट इज विद ए टू आई बैंड. ओके इट अलाइनमेंट विद ए टू आई बैंड, सो इट इज अलाइन विद ए टू आई बैंड ऑफ सार्कोमियर. ओके एंड इफ यू आर लुकिंग ऑन द कार्डियक मसल टिश्यू, अगेन यस वी फाउंड ट्रांसवर टिब्यूज, बट हियर दे आर अलाइन विद जेड डिस्क. Here they are aligned with jet disc. Okay. And in smooth muscle, we do not found any kind of transverse tubules. We do not found any kind of transverse tubules. Okay. So remember this difference. Now just looking on the autorhythmicity. So in autorhythmicity, skeletal muscle fiber, we do not found any autorhythmicity. Yahan autorhythmicity nahi milegi. Is cardiac muscle tissue mein hame milti hai. Yes. And इन स्मूथ मसल टिश्यू यहाँ भी हमें ऑटोरिदमिसिटी मिलेगी, बट इन विसरल जो वॉल ऑफ होलो विसरल ऑर्गन है उन्हीं में मिलेगी. ओके सो इन विसरल, ओके विसरा में जो है वो विसरा स्मूथ मसल जो होंगी वहीं पर मिलेंगी. ओके क्लियर एवरीवन. देन रेगुलेटरी प्रोटीन मैंने आप लोगों को बताया था दैट वी फाउंड ट्रोपोनिन एंड ट्रोपोमायोसिन. सो इन स्केलेटल मसल टिश्यू वी फाउंड ट्रोपोनिन एंड ट्रोपोमायोसिन. सिमिलर काइंड ऑफ प्रोटीन वी फाउंड इन स्केलेटल मसल टिश्यू मीन्स ट्रोपोनिन. ओके ट्रोपोनिन एंड ट्रोपोमायोसिन. स्मूथ मसल वी फाउंड डिफरेंट रेगुलेटरी प्रोटीन. वाट आर दोस? दीज आर कैल्मोड्यूलिन एंड मायोसिन लाइट चेन काइनेज. अगेन आई रिपीट, कैल्मोड्यूलिन एंड मायोसिन लाइट चेन काइनेज. आई एम राइटिंग दीज. Now, if you are looking on the contractile protein in sarcomere, contractile protein sarcomere mein present hote hain kya? So, skeletal muscle fiber, yes, they are present. In cardiac muscle fiber, yes, they are present. Okay. But in smooth muscle fiber, they are not present. Okay. Now, if you are looking on the contraction ka regulation kis tarah se hota hai, okay, what kind of neurotransmitter involved. So in here acetylcholine is involved. Here what? Acetylcholine involved in skeletal muscle fiber, but in cardiac muscle fiber acetylcholine involved, nor epinephrine and nor adrenaline. Okay, adrenaline and nor adrenaline, as well as hormones. Okay, hormones are involved. Similarly, same kind of chemicals are involved in smooth muscle fiber. So acetylcholine,
एड्रीनेलिन, ओके नॉर एड्रीनेलिन एज वेल एज हार्मोन्स एंड केमिकल्स आर इन्वॉल्व. Chemicals are involved. Okay. Now, if you are looking on the speed of contraction, then here is the speed of contraction is fast. It is fast, and in cardiac muscle tissue, it is intermediate. Okay, it is intermediate, and in smooth muscle, it is slow. Okay. The last point, which is what? Capacity to regeneration. So here. Limited capacity, but they are generated by satellite cells, okay? And again, cardiac muscle tissue, there is limited generation, okay? Limited capacity. For smooth muscle tissue, there is a considerable amount of capacity to regeneration, okay? Via pericytes. So, however, यहाँ पर जो कैपेसिटी ऑफ रीजनरेशन जो होती है वैसे सभी में ही लिमिटेड होती है, बट अगर हमें स्मूथ मसल को कार्डियक मसल और स्केलेटन मसल टिश्यू से कंपेयर करें तो उनके कंपैरिजन में थोड़ी सी ज़्यादा होती है, बट अगर हम एपिथेलियल टिश्यू से कंपेयर करें तो बहुत ही ना के बराबर हम इसे कह सकते हैं. ओके, सो आई होप यू पीपल आर एबल टू अंडरस्टैंड दीज डिफरेंसेज बिटवीन स्केलेटल मसल टिश्यू, कार्डियक मसल टिश्यू एंड स्मूथ मसल टिश्यू. इंपॉर्टेंट पॉइंट, कहाँ एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ लेता है आप लोगों से, डायामीटर में कहाँ लार्ज है, क्या ऑर्डर होगा फाइबर डायामीटर का, क्या ऑर्डर होगा तो वो आपको याद रखना है, लेंथ का क्या ऑर्डर होगा वो आपको याद रखना है. ओके, ट्रांसवर्स ट्रिब्यूल्स कहाँ नहीं मिल रही हैं, तो यहाँ स्मूथ मसल्स में ट्रांसवर्स ट्रिब्यूल हमें नहीं मिल रही है. ओके, एंड कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन सार्कोमियर में कहाँ नहीं मिल रहा है, स्मूथ मसल में नहीं मिल रहा है. ओके, और जो स्पीड ऑफ कॉन्ट्रैक्शन है वो अभी याद रखिए कि यहाँ पर फास्ट है कार्डियक में जो इंटरमीडिएट है, एंड यहाँ पर स्लो है. ओके, तो आई होप यू पीपल आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस लेक्चर, एंड इफ यू फाइंड दैट दिस लेक्चर इज यूजफुल फॉर अदर्स एज वेल देन शेयर दिस चैनल टू अदर स्टूडेंट्स. ओके, यहाँ पर मैंने आप लोगों से कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए हुए हैं जो कि लास्ट कुछ एग्जाम्स में आए हुए हैं, उन क्वेश्चंस का आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखें. जय भारत, जय हिंद. हेलो एवरीवन, डिस्कसिंग द क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, ट्रू अबाउट स्केलेटल मसल फाइबर. ए लॉन्ग सिलेंड्रिकल फाइबर विद मैनी पेरिफेरल न्यूक्लियाई एंड स्ट्रिएटेड फाइबर प्रेजेंट. बी ब्रांच सिलेंड्रिकल फाइबर विद वन सेंट्रली लोकेटेड न्यूक्लियाई एंड स्ट्रिएटेड फाइबर प्रेजेंट. सी फाइबर थिकेस्ट इन मिडिल एंड टेपर्ड एट ईच एंड. डी ओलार करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 2, चूज फॉल्स स्टेटमेंट अबाउट मसल. ए स्केलेटल मसल फाइबर डायामीटर इज वेरी लार्ज. बी स्केलेटल मसल फाइबर डायामीटर इज वेरी लार्ज. सी कार्डियक मसल फाइबर डायामीटर इज लार्ज. डी ऑल आर फॉल्स. क्वेश्चन नंबर 3, चूज द स्टेटमेंट विच इज नॉट फॉल्स अबाउट मसल. ए स्केलेटल मसल हैव वॉलेंट्री कंट्रोल. बी स्मूथ मसल हैव इनवॉलेंट्री कंट्रोल. सी कार्डियक मसल हैव इनवॉलेंट्री कंट्रोल. डी ऑल आर फॉल्स. क्वेश्चन नंबर 4, चूज द स्टेटमेंट विच इज नॉट ट्रू अबाउट मसल. ए स्केलेटल मसल कंटेन एंडोमाइसियम, एपिमाइसियम, पेरीमाइसियम. बी स्मूथ मसल कंटेन एंडोमाइसियम, पेरीमाइसियम. सी कार्डियक मसल कंटेन एंडोमाइसियम, पेरीमाइसियम. डी ऑल आर नॉट ट्रू. क्वेश्चन नंबर 5, चूज द स्टेटमेंट विच इज नॉट ट्रू अबाउट मसल. ए स्केलेटल मसल हैव ऑटोरिथमिसिटी. बी स्मूथ मसल हैव स्लो स्पीड ऑफ कॉन्ट्रैक्शन. सी कार्डियक मसल हैव अ मॉडरेट स्पीड ऑफ कॉन्ट्रैक्शन. डी नन आर करेक्ट. सो आई ऑलरेडी गिवन आंसर ऑफ ऑल ऑफ दीज क्वेश्चन इन माई लेक्चर. इफ यू हैव एनी डाउट देन गो थ्रू विद द लेक्चर एंड आंसर इन कमेंट बॉक्स.